वो लो कैंडी ने ले लिया उसका, कैंडी ने ले लिया। वो देखो कैंडी वहीं वहीं खड़ी है अब। अच्छा चेरी तुमको देख रही है किसने ले लिया मैं, और कैसे चुपके से निकल के आई उसके बगल। ओ शिट, लड़ाई हो रही थी। वो देखो कैसे ले आई, कैसे लेके आई ये चालबाज औरत। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत खास। और क्यों होगा खास ये बताइए मेरी बेबी, क्यों बेबी? हाय फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इसलिए खास है क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग रात को शुरू कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे आज हमारा नाइट व्लॉगिंग का रूटीन और हम लोग कहाँ कहाँ होते हैं एज इन रात को और क्या करते हैं और कहाँ होते हैं। बेबी घर में ही होते हैं? आई मीन घर पे ही बोल रही हूँ। नहीं मैं जानना चाहता हूँ कहाँ होते हैं भाई। मेरी बात सुनो, घर पे ही होते हैं। जब से जिस दिन से मेरी एक्चुअली तबीयत खराब हुई ना, वो रात, वो काली रात, उसके बाद से ना मेरी एंग्जाइटी ऐसी बढ़ी कि हमने डिसाइड किया कि वाला रूम चूज करते हैं सोने के लिए, ताकि हम लोग हमारे बच्चों के पास भी होंगे यहाँ पे और लाइटें वाइटें रात को जलती रहती हैं, वो वाली लाइट्स जलती रहती है, बाकी सारी हम लोग बुझा देते हैं। तो यहीं पे हम लोग बातें करते हैं, यहीं पे हम लोग थोड़ी बहुत कभी लूडो खेलते हैं, कभी कुछ करते हैं, जो भी हमें करना होता है यहीं पे खेलना। मैं एक ही काम करता हूँ, वो है एडिटिंग, जो कि आज मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए व्लॉग बन रहा है आपके लिए। आपको बता दूं कोको की भी ना टांग में प्रॉब्लम हो गई थी, इसका एक्स्ट्रा ध्यान रखा जा रहा है, तो ये आके बेड पे सो भी जाता है और पूरी रात मेरे साथ ही सोया रहता है, तो मैं इसको कुछ कहती भी नहीं हूँ। चेरू के बाल और काट दिए मैंने, देखो। हाँ, इसके चेरी के पैर देखना आप लोग, इधर तो इतने फ्लफी फ्लफी बाल हैं और उसके नीचे ना सारे पैर इसके गंजे कर दिए, तो इतनी अच्छी लग रही है ना चलते हुए, बहुत क्यूट लग रही है। अभी तो चेहरा और निखर के सामने आया इसका। हाँ। देखो ना, एक मैंने बाल और पीछे कर दिए इसके, यहाँ से। हाँ। और काट दिए। हाँ। छोटे छोटे कर दिए, बहुत ही क्यूट लग रही है। नींद में बेबी इसको सुला दो वापस। नींद में नहीं है तो बेड बाद में जाते हैं, पहले अपना स्टीम लेके आती हूं। कोको, अरे कोको की दवाई शाम वाली। ये कैमरे पे जब इसको दबा देते हैं तो काटता क्यों है? पता नहीं, इसको पता लग जाता है। वैसे तो कहता है दिखता नहीं है मेरे को। कब कहा इसने कि मुझे दिखता नहीं? बताया मेरे को दिखता नहीं है। अरे बेबी देखो क्या कर रहा है, दवाई तो खानी है। क्या हुआ बेटा? मेरी ऐसे कैसे कर रहा है बेटा? दवाई खानी है, गिर जाएगा। कोको मम्मा फिर गुस्सा भी कर रही। बेबी ये क्या कर रहा है? तो रुक जाओ ना थोड़ी देर। मैं नहीं, ये तो मेरे साथ चलेगा ही नहीं बिल्कुल। अरे 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 कोको ये देखो दवाई दे रही है इसे बेबी। ये क्या कर रहा है बेबी? अब कर, अब कर वही से। अरे यहाँ पे भी कर रहा है। ये कौन सा नया नाटक है इसका बेबी? बेबी अब इसको ना नीचे छोड़ के एकदम से भाग जाना, पीछे को मुड़ के काटेगा ये। मेरे साथ नहीं चलेगा ये सब, इतना प्यार करती हूँ रात को मैं, प्यार का ये सिला दिया, दांत मार दिया मुझे, माँ को दांत मार दिए। अरे अरे जिसने रोटी खिलाई, जिसने दवाई खिलाई, उसी को दांत दिखाता है हरामखोर। अरे नासूर बूढ़े बेटे, तेरे दांत का ध्यान रखती हूँ, तेरी सेहत का ध्यान रखती हूँ, तेरे चाल चलन का ध्यान रखती हूँ, उसके बाद ये मिल रहा है मुझे? ना बेटा डरती नहीं हूँ मैं तुझसे। बेबी बिना दांत के भी काट रहे, देखो बिना दांत के भी काट रहे, देखो देखो दांत नहीं है, कोई दांत नहीं है इसका आगे का। अच्छा नहीं करते, मम्मा पाई करती है, भी ऐसा करता नहीं है ये, कुछ थोड़ा इरिटेटेड है, पैर में चोट लगी है इसलिए शायद थोड़ा। पैर में चोट तो ठीक कर दी मैंने। हाँ क्या हुआ? कोको ऐसी कर रही है। तो कोको ने श्राप दिया है तुम्हें, मेरे पैर का मजाक बनाया ना तुमने, अब तेरा पैर टूटेगा, जा। ये रही मेरी स्टीम और मैं फैन मत करूंगी और थोड़ी देर 5 मिनट अभी स्टीम लूंगी पहले, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कानों के लिए। तो फिर जब तक तुम स्टीम लोगी तब तक मैं बिना पंखे के रहूं? हाँ। ये स्टीम किस चीज की? सिर्फ पानी की? सिर्फ पानी की, कुछ भी डालने को मना किए रहा हूँ, कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ स्टीम ले, तो इससे कान ठीक हो जाएगा। हाँ। बट काफी मतलब पहले से बेटर है। इसमें पानी कहाँ है? पानी है ना, है पानी, अभी उबलेगा तो पता लगेगा ना। अच्छा ओ बेबी तुम तो एकदम फ्रेश फ्रेश लेके निकली हो अंदर से। स्किन स्किन के लिए नहीं, मुझे अपने कान के लिए लेनी है। मैं भी ले लूं क्या थोड़ा? मेरे भी स्किन से सब वो निकल जाएंगे टॉक्सिन वगैरह। पहले ऑयलिंग कर देती हूँ ना। हाँ। उसके बाद लो थोड़े से, सर में भी ले लो स्टीम, तेल लेके आती हूँ। हाँ। गरम क्यों कर रही हो? लो तुम्हें आज तक यही नहीं पता कि गरम होता है तेल? अच्छा उससे क्या फर्क पड़ता है? गरम जाता है ना तेल, और क्या होता है, होना क्या है? स्किन कितनी अच्छी हो जाती है स्टीम लेते ही। ये देख रहे हो नीचे, एक सेकंड से मैं तेल गरम करने आई हूँ बेटा, इधर खाना नहीं पक रहा था, इधर कुछ नहीं हो रहा था, चले देखो देखो अभी किसी की एमआई तुम्हारे पीछे टिक टिक करती हुई।
देखो ना वहाँ देखो, वहाँ देखो पहले क्या हो रहा है। अरे यार ये कुत्ता गजब है भाई साहब। हाँ यार ये अपने आप अकेली खेलती है, पता है? अकेली खेल रही है और अपनी औकात से बड़ी बॉल ले रखी इसने अपने मुंह से बड़ी। ये तो किसी का छीन के लाई थी वो है। इच्छे खेल ले चलू, ये किच्छे खेल ले गिंदा। ये सबसे प्यारा बच्चा है मेरा, सबसे प्यारा बाबू। अकेला खेल रहा गंदे। अरे बेबी चेरी डांट मार रही है मुझे। आज सब तुम्हें काट क्यों रहे बेबी? चल एंड गो। देखो तब क्या कर रही है। ये बीच में ही खेल क्यों छोड़ देती है कैंडी? हाँ, हाँ, खेलेगी अभी करेगी। चेरी पूरा कंप्लीट करती है। गो। ओ लो कैंडी ने ले लिया उसका, कैंडी ने ले लिया। ओ देखो कैंडी वहीं खड़ी है अब। अच्छा चेरी तुमको देख रही है किसने ले लिया मैं। और कैसे चुपके से निकल के आई उसके बगल। ओ शिट कैसे लेके आई ये चालबाज औरत। बेबी वो चेरी का है, बेबी वो चेरी का है, वो चेरी का है। चेरी खेल रही थी। चलो गो। अब नहीं जाएगी ये भी ना, जो इसको आसानी से मिल जाए ना वही मार लेती है। चेरी है मेहनती डॉग, खुद लेके आती है। अरे तेल फैल रहा है, जल्दी 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 मिली। मैं जब कॉफी पीती हूँ ऐसी आवाज तो तब निकालती हूँ मैं। बेबी एकदम तुम ना रोड साइड चंपी करती पता है? हैं? वाह जी वाह जी, बीवी हो तो ऐसी। वाह वाह बेबी, इतना तेल मत डाल देना कि कल से घर में खाना ही ना बन पाए। अरे मजा, बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत ज्यादा। हाँ बेबी तुम्हारे नाखून से मेरे कान कट गए। बेबी नाखून तो है ही नहीं। इन पे भी कर देना कनकुट्टों पे। बहुत मजा आता है, मैं देख रही हूँ तेल मालिश है। मुझे सेवा करवाने में बचपन से बहुत आनंद आता है। लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। तो वो तो मैं करता ही हूँ ना। मैंने तो ऐसा कभी मसाज करते हुए नहीं देखा तुम्हें। तुम्हारे बाल काट दूंगा ना मैं कल। ये क्या था बाद में? ये तो फाइनल टच होता है। बदला तो नहीं निकाल रही हो किसी चीज का? चलो ऑन करो भी पीछे से। और कुछ नहीं करना, सिर्फ तुम ऑन करो। मैं आ रही हूँ। बेबी इतना भी झुकने की जरूरत नहीं थी, अब रहो ऐसे। आपको क्या हुआ भाई? हाँ क्या इशू हुआ लाइफ में? इसने आज सुबह ये सारे जितने भी डॉगीज हैं ना इसने अपने नाक से उड़ा उड़ा के गिराए हैं। जब मैं सुबह उठी ना तो ये सब कोनों में पड़े हुए थे। इसे भी चिढ़ती है कैंडी, जेलेसी की शिकार। जब तक तुम स्टीम ले रहे हो तब तक मैं काढ़ा तैयार कर लूं। काढ़ा बनने रख देती हूँ ना तो प्राउड ऑफ यू। अच्छा ठीक है अविनाश, जब तक आप स्टीम लेगा तब तक मैं काढ़ा बनाने जा रही हूँ, जो रात को हम लोग पी के ही सोते हैं। तो अभी तो मैं काढ़ा भी पीती हूँ और बिल्कुल सोने से पहले ना वो भी पीती हूँ, हल्दी वाला दूध। दूध मैंने कभी जिंदगी में नहीं पिया लेकिन अभी इतना इतना मैं पी रही हूँ बिकॉज मुझे डॉक्टर ने बोला है। पहले ये रख देते हैं, पहले मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक, दालचीनी, सौंफ, लौंग, इतनी सी डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च, घर पे ही पिसी हुई है। ये मुझे मिल गया थोड़ा सा तुलसी पत्ता, ये रही थोड़ी सी पुदीना और ये रहा थोड़ा लेमन ग्रास। आराम से पकने देंगे। फिर भी तुम्हारा हो गया, ऐसे कैसे बैठे हो? अरे मुझे मुंह जल गया। मुंह जल गया? इतनी तेज भाप लग रही है। तो तुमने इतना पास में लिया क्यों भाप? किसने बोला था? मुड़ो ऐसे मुड़ो, अब मेरी तरफ। मेरी पलके हैं कि जल गई? अभी ऐसे मुड़ो, ऐसे मुड़ो तुम। अब थोड़ा सा ऐसे पीछे को ऐसे हाथ इधर इधर करो उसके आजू बाजू में। अब थोड़ा सर पे लो। हाँ 3-4 मिनट बस सर पे ले लो। वेरी गुड। कौन सा आसन करवा दिया तुमने मुझे? बेबी ये तो बहुत अच्छा है तुम्हारे स्टीम लेना सर के लिए तो। अरे ये स्टीम कहाँ जा रही है मुझे पता ही नहीं भाई। तुम्हारे सर पे आ रही है तो मैं मालूम नहीं पड़ रहा, थोड़ा पीछे हो जाओ। बेबी अगर मेरा एक भी हाथ फिसल गया ना तो मैं सीधा गर्म पानी में गिरूंगा। हो जाओ थोड़ा पीछे हो जाओ, सही करो हाथ। एक मिनट, ये क्या कर रहे हो? मुझे पता नहीं वो मेरे सर के नीचे है या कहाँ है, करेक्ट हूँ मैं? हाँ अब उसके सर मत लगा ले, उसको करंट आ जाएगा वरना। 2-3 मिनट ले लो, तब तक मैं काढ़े का राउंड मार के आती हूँ। गोड़म गोड़म लग रहा है। क्या क्या? गोड़म गोड़म लग रहा है। काढ़ा देखती हूँ क्या हो रहा है। अभी तो बल्ला भी नहीं शुरू हुआ, टाइम लगेगा। अरे हो गया, उठ जाओ अब। अरे पूरा खोपरिया हमारा जल गया जी। बंगाली क्यों बोल रहे हो? अरे बंगाली नहीं, 4-5 भाषा मिक्स कर दिए मैंने, बंगाली भोजपुरी। पूरा खोपरिया हमारा जल गया। इसको बंगाली में बोलो जरा। मुझे क्या पता, तुम्हें तो आता है बोलना बंगाली। क्या हुआ? मुझे बंगाली नहीं आती बेबी, झूठ मत बोलो। एक दो गाने रटे हुए हैं मुझे जो गा गा के मैं तुम्हें इम्प्रेस करता था। आई एम सॉरी। सच में तुम्हें नहीं आता? मेरे को तो आज लगता था तुम बंगाली, तुम्हें आती है, मीठी भाषा इतनी आती है इसलिए मुझे तुमसे प्यार हुआ था। अच्छा सिर्फ इसलिए? और अब? अब थोड़ी थोड़ी नफरत सी हुई है अभी। आई बड़ी। चलो उसको पीछे से बंद करो, स्टीमर वापस रखो। स्टीमर वापस रखो। फंसा दिया मुझे।
स्टीमर वापस रखो। अच्छा बाल तो ठीक करो अपने। निकल गया पानी गिरा नीचे। शिट बेबी, इतनी तेज गैस करके आने की क्या जरूरत थी? तेज नहीं थी गैस इतनी, मुझे लगा नहीं निकलेगा। ये खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही इसकी। अब इसको मैं अच्छी तरह से कढ़ाऊंगी। कढ़ा तो दिया, निकल तो गया सारा। नहीं नहीं, वो तो ऐसे निकल गया ना, मैं ये रखने के, ये इसके चक्कर में हुआ है पता है। फिर गिरने वाला है, अब किसके चक्कर में होने वाला है? कहाँ गिरने वाला है? गिर रहा है, जल्दी आओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। गैस धीरे करनी होती है, अब क्या करना होता है? क्या करूँ क्या खुशबू आ रही है। कैंडू हटो वहां से। हट जाओ बेटा। तो जी आ गया हमारा गद्दा। ये देखो बिस्तर लग चुका है। ये कैंडी अपनी जगह बनाती हुई बिल्कुल अपनी मम्मी की जगह पे। ये कोको ने अपनी जगह बना ली है बिल्कुल मेरे पैरों के पास। और ये चेरी भी जो लग के बैठ चुकी है, और इसका भी अब ड्रामा चल रहा है ऊपर आने का। देख रही हो बेबी, ये बॉल किसने लग के रखी है? देख लो आप, देख लो। अब ये तीनों यही पे, ये तीसरी भी यही मिलेगी। बट कोई बात नहीं, बैठ जा मेरा बच्चा, बैठ जा, कोई बात नहीं। हाँ जी मैडम, आपका बेड लग गया? आपका लग गया बेड? सब तैयारी हो गई है सोने की? हाँ अच्छा लग रहा है। ये तीनों में सुबह उठता हूँ ना, हाँ, तो कोई मेरे बगल में, कोई घुटने में, तीनों कुत्ते फंसे होते हैं। हाँ मैंने देखा कैसे सो। ये अब क्या करें ना, ये नहीं मानते। तो अभी चेरी ऐसे दिख रही है आपको, ये भी अभी ऊपर होगी, अभी एसी वगैरह चल गया है ना। भाई पकड़ो, मैं जरा पानी की बॉटल्स ले आऊँ। ये हमारी दोनों की पानी की बॉटल्स होती है, ये एक मेरे साइड पे रहेगी यहाँ पे, एक अविनाश की साइड पे। काढ़ा कब आएगा बेबी? काढ़ा बन गया है, ला रही हूँ। और हमारा काढ़ा भी तैयार हो चुका है। ये सब कुत्ते बिल्ली यहाँ से हटेंगे कि नहीं? बेटा मैं कुका मिल चिन्नू बाबा मिल बबली टू को गुच्छे वाला है, लेकिन मम्मा को पारी तो बहुत करता है। अलग तरीके का प्यार है। अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है। फिलहाल जो मैंने अपनी जगह चेंज कर ली है ना सोने के लिए, उसका बहुत बड़ा रीजन मैं आपको बताऊं क्या है। वो दिखाओ वहाँ पे, ये लाइट। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। बट ये भी लाइट जब बंद हो जाएगी ना, तो देखो क्या लगता है, कितना खूबसूरत लग रहा है बेबी अब। सो हम लोग इतना एंजॉय करते हैं ना इस वाले रूम में, हम लोगों को इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, इतना अच्छा लगता है कि मेरी तबीयत ना जो बेटर हो पा रही है ना, वो बिकॉज मैंने चेंज ऑफ प्लेस किया ना, सोने की जगह मैंने चेंज कर दी है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब हम लोग थोड़ी देर खेलेंगे लूडो तथा सांप सीढ़ी। तो आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन आप लोग ये जरूर बताइए कि आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। एंड डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। लाइव बंद करके बेबी लूडो में चीटिंग तो नहीं करोगी? नहीं।